यूपी के बुलंदशहर के थाना सलेमपुर क्षेत्र में गांव रंगपुर में संत श्रोमणी गुरु श्री रविदास जी महाराज का 2 दिवसीय संत समागम व भंडारे का आयोजन किया गया। समागम में स्थानीय व अन्य प्रदेशों से सैकड़ों संत व रविदास अनुयायी संत समागम में पहुंचे। इस दौरान कोरोना काल में कोरोना से हुई लोगों की मौत पर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख प्रार्थना की। मन चंगा तो कठौती में गंगा का फल सफा देने वाले संत रविदास का 2 दिवसीय संत समागम व भंडारे का थाना सलेमपुर क्षेत्र के रंगपुर गांव में आयोजन किया गया। संत रविदास जी की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद गांव में शोभा यात्राएं निकाली गयी और भजन कीर्तन कर संत रविदास को याद किया गया। स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज ने कहा कि रविदास जी को रविदास जी के नाम से भी जाना जाता है। इनके माता पिता चर्मकार थे। इन्होंने अपनी आजीविका के लिए पैतृक कार्य को अपनाया, लेकिन इनके मन में भगवान की भक्ति पूर्व जन्म के पुण्य से ऐसी रुचि बसी थी कि इन्होंने अपनी आजीविका के लिए पैतृक के कार्य को अपनाया आजीविका को धन कमाने का साधन बनाने की बजाय संत सेवा का माध्यम बना लिया। सबसे पहले तो धर्म बंधुओं और मीडिया से जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों का और आपके टीवी चैनल का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आपका आभार जताता हूँ, आपने मुझे कृतार्थ किया है यहाँ आकर के। आज का जो कार्यक्रम संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज एवं उनकी परम शिष्या परम गुरु भक्त मीराबाई जी की भव्य शोभा यात्रा, संत समागम और 2 दिवसीय भंडारे का आयोजन है। ये कार्यक्रम लगभग 30-32 वर्षों से इस पावन धरती पर निरंतर हो रहा है। 2 साल कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया है और अब की बार ये कार्यक्रम विशेष है। हमने सभी धर्मों के धर्माचार्यों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। 2 वर्ष में कोरोना ने जो तांडव मचाया है देश और दुनिया के अंदर, बंधुओं हमने अपने साथियों को, अपनों को अपनी आंखों के आगे बेगाने होते देखा है। 2 साल में हमारे कितने लोग हमारा साथ छोड़ करके चले गए, हमने सोचा भी नहीं। आज उन आत्माओं को हम भावभीनी श्रद्धांजलि और जिनके वो अपने खोए हैं उनके लिए संवेदना, और साथ ही जिन्होंने इस महात्रासदी में इस समाज का, इस राष्ट्र का और पूरे मानव विश्व कल्याण के लिए विश्व का सहयोग किया है, हम उन सभी परमार्थी पुरुषों का हृदय की गहराइयों से आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहेंगे। अपील करेंगे सभी धर्म के धर्माचार्यों को, हमने निवेदन किया है कि उस महाशक्ति के आगे आप सभी लोग हाथ जोड़कर अपने अपने तरीके से आओ, प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मानव जाति को ऐसी महान त्रासदियां आगे न देखनी पड़े, ऐसी कृपा करना, हमें सदबुद्धि देना, अच्छी सोच देना, ताकि शुद्ध वातावरण के साथ हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए खुद आगे बढ़ें और दूसरों को आगे बढ़ने में अपना सहयोग करें। तो ये कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है और इसमें आप कुछ देर के बाद देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पर्शियन भाई, सभी धर्मों के धर्माचार्य यहाँ पहुँचने वाले हैं और शायद कुछ राजनीतिक लोग भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास धरातल पर जीता जाएगा। मैदान जंग में आकर कूदेंगे तब जीता जाएगा, साथियों हुक्कों से नहीं, रसना से नहीं। तो हमारा लक्ष्य है कि हम इस देश के भाईचारे को मजबूती प्रदान करें और सब मिलजुल करके आगे बढ़ें और दूसरों को सहयोग करें आगे बढ़ने का। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसी कौन खूबी थी गुरु रविदास के अंदर, कौन आकर्षण था जिनके चारों वर्गों ने उन्हें अपना गुरु बनाया। उस समय के दोनों धर्मों के लोगों ने उन्हें